देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का नमस्कार। सभी लोग उपस्थित हो गए, अच्छा सुनी रेडी है। परिचय के रूप में मैं एपी सिंह एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो समस्या रखी गई है सुमिंदर कौर हैं, ये सुमिंदर कौर हैं खट्टा सिंह की सगी भांजी, जो डेरा सच्चा सौदा का प्रकरण चल रहा है। उसमें खट्टा सिंह जी सारी भूमिकाएं जो अब तक रही, डेरे की उनके प्रति क्या भूमिका रही, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो लंबा दौर चला उसके बाद आपके लिए और मैं और ये सुमिंदर कौर जो कि खट्टा सिंह जी सगी भांजी हैं, आपसे ये जो हेल्प मांग रही उसका भी ध्यान दें आप। और जो चीजें हैं ये 16 साल से लगातार डेरा सच्चा सौदा में साध्वी सुमिंदर कौर साध्वी के रूप में रही हैं। 25 अप्रैल 2017 को डेरे से अपने आप छोड़ के अपने गांव आ गई, अपने घर आ गई। 25 अगस्त की घटना के लिए उसके बाद जो कार्य करने के लिए जिस तरह से दबाव दिया गया इन पर कि ये बोलो, ऐसा बोलो, खिलाफ बोलो, बदनाम करने के लिए बोलो, मीडिया में बोलो, ये जो आरोप खट्टा सिंह ने बताया कि ये लगाओ, इस बात के लिए इसे धमकाया गया, डराया गया, यहाँ तक कि ना बोलने पर हत्या की साजिश रचने का भी प्रयास किया गया। और क्यों? क्योंकि खट्टा सिंह के बीच चाहता था, खट्टा सिंह का इस तरह से चल रहा था कि वो डेरे को बदनामी से बचाने के लिए, अगर डेरा बदनामी से बचना चाहता है तो बीती है ना ही संपत्ति है, ना किसी का ऐसा प्रॉपर्टी है कि व्यक्तिगत निजी प्रॉपर्टी हो, ऐसा नहीं। डेरा सच्चा सौदा निश्चित रूप से 7 से 8 करोड़ लोगों का पैसा भी वहां लगा हुआ है, श्रम भी उनका लगा हुआ है। डेरा सच्चा सौदा दुनिया में अकेला ऐसा है जहां लोगों ने अपना श्रमदान किया, ब्लड दान किया, शरीर के अंग दान दिए, तन मन धन तो बहुत जगह दान दे दिया जाता है, लेकिन वो चीजें देकर, श्रमदान देकर, वहां जो भी आप देख रहे हैं, सरकार देख रही है, बिल्डिंग बनी है, अस्पताल बने, स्कूल बने, फैक्ट्री बनी, उद्योग बने, जो भी है लोगों के श्रमदान से बने हैं। तो डेरा सच्चा सौदा केवल खट्टा सिंह की या शाह सतनाम जी की या बाबा गुरमीत राम रहीम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रही है जिसको वो व्यक्तिगत रूप से कोई कह सके कि मेरी ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। वो सभी की 7 से 8 करोड़ लोगों का उसमें योगदान है और उसमें उनका है। तो ये उसकी ये भाव रहे कि किसी तरह से हमें 20 करोड़ रुपए मिले, इस बात का उसका प्रसार रहा। उससे भी अधिक कि हम किसी तरह से डेरा सच्चा सौदा की गद्दी पर बैठ जाएं और सारा कब्जा करें, इसलिए उसने उस तरह से, आपको आज मैं पहली बार बता रहा हूं, सीबीआई केस में जो दो लड़कियों का प्लेनेंट का केस चला जिसमें बाबा राम रहीम को सजा हुई है, उन लड़कियों को खट्टा सिंह ने अपने घरों पर रखा, लगातार अपने घर पर रही। उसके बाद उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया, डराया गया और दिया भी गया। उसके बाद उन्होंने इस तरह के करके प्रोसीडिंग को आगे प्रोसीड किया, क्योंकि किसी एक कंप्लेनेंट का देखिए, जिस समय खट्टा सिंह साथ था उस समय भी वो इन कंप्लेनेंट को, दोनों को अपने घर में रखकर ऐसे कार्य, ऐसे प्रोसीडिंग को उसने लगातार करवाया था। कुछ लोगों के भाव हैं, कुछ लोगों के सवाल आते हैं, बाहर जाता हूं, बात करते हैं, मीडिया पर्सन से बात करते हैं, आपके मन में भी सवाल होते हैं कि कोई डेरा सच्चा सौदा में ऐसी लड़कियां कोई रहती हैं जो अनपढ़ हो, गवार हो, भोली हो, बाली हो, ऐसा नहीं। वहां बहुत बड़ी एमबीए करने वाली भी लड़कियां हैं, बीबीए, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और उच्च श्रेणी परिवारों की, परिवार का मतलब किसी जाति बिरादरी की नहीं, सब जाति बिरादरी और धर्म की वहां लड़कियां रहती हैं, उच्च पदाधिकारी जो पदों पर है, उच्च पदों पर, उच्च व्यवसाय में है, उच्च कोटि के परिवार हैं, उनकी लड़कियां भी वहां रहती हैं, साध्वी के रूप में भी रहती हैं। किसी पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहता, ये इस बात का सबूत है, जब चाहे वो जाए, जब चाहे वो आ सकती है किसी तरह का। लेकिन खट्टा सिंह ने जिस तरह से डरा से कोई कार्य जो उन लड़कियों के साथ किया, वही अपनी भांजी के साथ, क्योंकि भांजी भी ब्लड रिलेटिव था, कि किसी तरह से किया जाए, आज ये निकलकर इस तरह से आके आपके सामने रूबरू हैं, और हमें भी नहीं विश्वास, इन्हें भी नहीं विश्वास, और इसने लिखा भी है, इनके साइन भी है, मेरा भी है, कि खट नहीं है, कि इनका जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा। क्योंकि परिवार की बातें खट्टा सिंह के कार्यों के, कुकृत्यों के सारे सबूत इनके पास हैं, किस तरह से वो अफीम की स्मगलिंग करता है,
किस तरह से 15 दिन में 1.5 लाख रुपए की बाप बेटे दोनों अफीम खाते हैं, किस तरह से महीने के किस तरह से सप्लाई होती है, किस तरह से देश के बाहर तक सप्लाई होती है अफीम की, वो इस तरह से करेंगे। पत्रकार छत्रपति बहुत बड़ी दुखद घटना थी मीडिया पर्सन की, खासकर मेरे लिए, जो कि मैं मीडिया पर्सन के लिए सदैव समझता हूं कि जब भी कभी देश पर कोई किसी नेता की, किसी पार्टी की, किसी पूंजीपति की नजर खराब होगी, कभी कोई देश विदेश विदेशी शक्तियां भारत पर इस तरह का कुछ सोचेगी, तो क्योंकि मीडिया ऐसा चौथा स्तंभ है जो हमारे देश की एक तो सीमा की, मैं दो लोगों की सबसे ज्यादा जीवन में कदर करता हूं, एक तो सीमा पर जो हमारे जवान आर्मी के लोग कर रहे हैं वो सीमा बचा रहे हैं, लेकिन सीमा से भी बचाने का अंदर जो काम कर रहे हैं वो मीडिया पर्सन कर रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी जी पर जो हुई थी हत्या, उसका कार्रवाई खट्टा सिंह ने थी, उसका नाम वहां से तथाकथित एक राजनीतिक थे उन्होंने निकलवाया, और उसके बाद बाबा राम रहीम का नाम डलवाया। इस बात की इन्हें, क्योंकि भांजी होने के नाते इनके वहां सारी बात होती थी, क्योंकि वो डेरे में भी थी और उनकी भांजी भी थी, दो रिश्ते थे, सगी भांजी थी, तो उन्हें लगता था खट्टा सिंह को ये तो इनके कहने पर है, इनके इशारे पर, जब मैं डेरे का काबिज हूंगा, जब मैं डेरे का मालिक बनूंगा तो ये हमारे साथ उसी तरह भी भांजी मुख्य भूमिका निभाएगी। इस तरह से उसने इस तरह से किया, और जो भी ये बोला मीडिया में बुलवाया गया, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा, इसी के साजिश का था कि जो लोग जब भी ये बताएंगे आप पूछेंगे कि जब भी वो डेरे के खिलाफ कोई बात बोलता था उसके बाद उसे अच्छे अच्छे जगह से बहुत पैसा आ जाता था, इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, केवल डेरे के अंदर वाले ही नहीं, लोग डेरे के अंदर वालों को कुछ बाहर की शक्तियां लगातार प्रयोग कर रही थी कि डेरे के अंदर के लोगों को हाई चेक करके इसको पूरी तरह से खत्म करके करप्शन कर दो, ये उनकी साजिश थी। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनकी जान की सुरक्षा, सारे तथ्य आप तक पहुंचे, आप अपने हिसाब से उनको देखें, कोई इंक्वायरी हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ लेंगे, और हाई कोर्ट से भी, नेशनल वुमेन कमीशन से भी, प्रधानमंत्री महोदय से भी, राष्ट्रपति महोदय से भी इस बात की जान पूरी जांच कराई जाए, इनकी जान माल की सुरक्षा की जाए, और कहीं कोई यदि झूठ पाया जाए तो शी इज रेडी टू प्रोसिक्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने सिग्नेचर करके आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है। अगर सच है इनके बयान, इनकी बात, इनकी सब चीज सच है, तो उसके लिए खट्टा सिंह का ब्लड टेस्ट करा लिया जाए, लगातार वो खाता है। अब जो सुंदर जी बोलना चाहते हैं उन्हें बोल दीजिए, मैंने सारी बात बता दी, अब आपको जो भी पूछना हो वो पूछ सकते हैं। सुरेंद्र जी आप एक बार सब कुछ बता दो, आप क्या बोलना चाहते हैं। कोर्ट में रिट भी दी और उसके बाद
सर से बात की और इसलिए मैंने आपसे। जब आपको जान का खतरा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं गया पहले, जो आपको लगता था? पुलिस आप माहौल देख रहे हो, इस माहौल में कौन सुनवाई करता है, और वो भी जो खट्टा सिंह के साथ, जो आपको पता ही है राजनीति का थोड़ा सा हाथ है, तो मेरी कौन सुनता है? नहीं, आपको लगता है कि मीडिया में सामने आने के बाद आपकी सुनवाई होगी? वो तो मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरी सुनवाई होगी, क्योंकि मैं माननीय राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से और माननीय हाईकोर्ट से भी अपील करती हूँ कि मेरे को मेरी सुनवाई होनी चाहिए। जो हम 128 साल में वहाँ पे रह रही है, जिन भी वो प्रूफ है कि गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सब झूठ है, और दो लड़कियां जो जिन्होंने गुरु जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, फसाया गया गुरु जी को, वो मेरी आंखों के सामने मैंने खुद देखा। वो खट्टा सिंह के घर रही है, पहले उन्हें पैसा दिया गया, जब वो अपनी भांजी को यूज कर सकता है तो वो दूसरों को पैसा देके क्यों नहीं कर सकता? ये सब आपने देखा, शिकायत करता जो है, आपको भी पता चला वो खट्टा सिंह के पास रह रही है, उन्हें पैसा दिया गया, उन्हें धमकी दी, कोई सबूत है आप लोगों के पास? क्योंकि जो कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, कुछ फैक्ट्स पे सजा सुनाई है, आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उन दो जो लड़कियां हैं उन पर आप सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ जो जो हुआ है, कोई सबूत है आपके पास? वो सबूत सारे हमने अपील के साथ आर्गुमेंट में सारे रखे जाएंगे। जो वहां प्रोसीडिंग हुई, कन्विक्शन हुआ, नो डाउट, जो उस अदालत को लगा उन्होंने फैसला किया, हमें